हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में सिंटेक्स के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसे देखें, उसके बाद ही मेरे इस दूसरे वीडियो को देखें। उसमें अपनों ने कुछ कीवर्ड्स इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने का प्रयास किया था, और आप उसे देखेंगे तो यही उसके बाद ही बेहतर हो पाएगा कि आप इस टेस्ट को समझ पाएंगे। साथियों, इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें हम सब्जेक्ट को देखते हैं और वर्ब को देखते हैं। हमें इसमें यह पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है। और पहली बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और एक और बात आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, कंफ्यूज कर देने वाली बात है, अगर वर्ब में एस या ई एस लगा है तो वह सिंगुलर होगी, लेकिन जब नाउन में एस या ई एस लगेगा तो वह प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि बॉय एक नाउन है, इसके साथ एस लगाएंगे तो बॉयज यानी प्लूरल हो जाएगी। और वर्ब की बात करें, जैसे गो हैं तो गो के पीछे अगर एस ई एस लगाएंगे तो ये गोज हो जाएगा, यानी ये सिंगुलर हो जाएगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है कि ही प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद दिया है इज एम आर। तो इसमें क्या देखना, हमें सब्जेक्ट देखना है, नाउन देखना है और वर्ब देखना है। इन तीन चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ही दिया हुआ है, तो ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अगर आर का करते तो गलत हो जाता। अम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, और आर का प्रयोग हम प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं। जैसे कि यू होता तो हम आर का प्रयोग करते हैं, शायद आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न, ही प्लेड वेल, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी हैज, हैव प्लूरल है, यू होता तो हम हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरा, ही फुटबॉल, ही प्ले फुटबॉल या ही प्लेस फुटबॉल। अभी हमने चर्चा की थी कि प्ले क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब में एस लगता है तो वह क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी प्लेज, ही प्लेज फुटबॉल। प्रश्न चार, यू एंड ही फ्रेंड्स। साथियों, अगर एंड से दो नाउन जुड़े हैं तो उसमें वह प्लूरल हो जाता है, वह प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, तो क्या आएगा, आर। पांचवा, दे हॉकी, प्ले आए या प्लेज आएगा, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो प्लूरल क्या है इसमें, प्ले, प्लेज सिंगुलर हैं, तो दे प्ले हॉकी। राम एंड हिज फ्रेंड्स मैच, प्ले आएगा या प्लेज आएगा, तो एंड से दो नाउन जुड़े हैं, फ्रेंड्स और राम, तो ये हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी प्ले। दे प्लेइंग गेम इज अमार, तो दे प्लूरल है तो इसके साथ आर आएगा, आर वर्ब सिंगुलर वर्ब है तो दे आर प्लेइंग गेम। दे प्लेड क्रिकेट हैज या हैव, दे प्लूरल हैं तो प्लूरल वर्ब होगी हैव। हैज़ हैव का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें केवल सब्जेक्ट नाउन समझना है और वर्ब को समझना है। तो दे हैव प्लेड क्रिकेट। इट हाउ दे टेकल दिस मोमेंट डिपेंड या डिपेंड्स। इट क्या है यहाँ पे, इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डिपेंड्स क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब के पीछे एस लगाएंगे तो वह सिंगुलर होगा, और एस या एस नहीं लगा हुआ है तो वो प्लूरल वर्ब होगी। तो इट डिपेंड्स हाउ दे हॉकी दिस टेकल दिस मोमेंट। दसवां, द प्रिंसिपल एंड टीचर। साथियों, एंड से जुड़े दो नाउन में अगर पहले नाउन के साथ आर्टिकल लगा हुआ है तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, यानी कि वह एक ही व्यक्ति है। अगर पहले नाउन के साथ द आर्टिकल लगा है, जैसे कि द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यह क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या आएगा, हैज।
ग्यारह रमेश एंड हेयर फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड से दो दो नाउन जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आर, रमेश एंड हेयर फ्रेंड्स आर गोइंग टू भोपाल। द प्रिंसिपल एंड द टीचर गो टू स्कूल, यहाँ पे क्या आएगा साथियों आप गेस करें, यहाँ पे क्या हो रहा कि दोनों नाउन के साथ दी आर्टिकल लगा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति, अगर पहले वाले के साथ आर्टिकल द लगा है तो एक ही व्यक्ति है, और अगर दोनों नाउन के साथ आर्टिकल द लगा है तो वो दो व्यक्ति हैं, यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल नाउन कौन सा होता है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, इसी प्रकार सिंगुलर में भी आप, मैंने इनकी चर्चा भी की है वीडियो में, और आप भी अगर किसी आपके पास बुक है तो उसमें उन चीज़ों को ज़रूर पढ़े। 13वां नंबर, एवरी गर्ल एंड बॉय प्लेड वेल, है जाएगा या है, तो एवरी या इच हो तो हम हर एक की बात कर रहे हैं, ना कि सब की, यानी एक ही इंसान की ही बात कर रहे हैं, एवरी यानी प्रत्येक यानी हर एक, तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो एवरी अगर कीवर्ड आ गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो, तो यहाँ पे हेज का प्रयोग होगा। ब्रेड एंड बटर, अब ये पेयर वाला आ गया, यहाँ पे पेयर वाला सब्जेक्ट, ब्रेड यानी बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, टोस्ट एंड टी, ये जो वर्ड है साथियों अगर ये आपको कहीं भी दिखे तो ये आप समझिए कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये पेयर में यूज़ होते हैं हमेशा, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये अकेले यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनको एक ही माना जाता है, तो ये एक ही हैं इसलिए ये सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। द हॉर्स एंड कैरेज, जैसे कि ये दूसरा शब्द आ गया, हॉर्स एंड कैरेज यानी घोड़ा गाड़ी, तो ये भी एक ही हुआ, तो इसके साथ इस का प्रयोग होगा। सॉरी मैंने 14वें में आर का प्रयोग कर दिया, यहाँ पे इसका प्रयोग होगा, उसे सिंगुलर माना जाता है। 15वां, द हॉर्स एंड कैरेज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब, इसका प्रयोग होगा। कमलेश विथ हिज फ्रेंड्स टू टॉक टू मी, यानी साथियों विथ या अलोंग विथ, बिसाइड विथ, इन सभी कीवर्ड की हमने चर्चा की है, इनमें क्या होता है कि जैसे ये शब्द, इन शब्दों से अगर दो नाउन जुड़े हुए हैं विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स, इनके साथ, तो हम पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाला नाउन क्या है, कमलेश, कमलेश क्या है, एक सिंगुलर नाउन हो गया, यहाँ पे हम नाउन को देखेंगे पूरे सब्जेक्ट को नहीं, तो यहाँ पे कमलेश सिंगुलर नाउन हो गया, तो इसलिए इस यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वांट्स, वांट प्लूरल वर्ब हो जाएगी, इसलिए वांट्स यहाँ पे सही होगा। 17वां, द बॉय अलोंग विथ, ये आ गया अलोंग विथ, तो इसमें हम पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो पहला क्या है, बॉय हैं, तो बॉय के साथ इज का प्रयोग करेंगे, द बॉय अलोंग विथ राम इज गोइंग। प्रश्न 18 की हम बात कर रहे हैं, आइदर राम, आइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, अगर साथियों ये वर्ड दिखे आपको, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो इनमें ये दो नाउन से जुड़े हुए कीवर्ड्स रहेंगे, तो इसमें अपन क्या करेंगे, दूसरे वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो इसमें पहला जो नाउन है वो है रमेश, दूसरा नाउन है हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग। नॉट ओनली रमेश बट आल्सो हिज मदर, यानी दूसरे नाउन के अनुसार ये कीवर्ड मिली अपने को, मदर, मदर सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग। द नंबर ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस, साथियों ये जो कीवर्ड है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अगर द नंबर ऑफ आपको कीवर्ड मिलता है तो द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन जब अ नंबर ऑफ दिखे तो उसके बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, यानी कि 20वें प्रश्न की बात करें कि द नंबर ऑफ पीपल, पीपल अपने आप में क्या है, प्लूरल है, पीपल कभी भी सिंगुलर नहीं होता, ये अपने आप में प्लूरल वर्ड हैं, तो इसमें क्या होगा कि
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। द नंबर ऑफ अगर कीवर्ड दिखे तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो इसका प्रयोग हम करेंगे। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है साथियों, अगर इनकी हम हिंदी करने जाएंगे तो गलत ही हो जाना है। अ नंबर ऑफ इसमें क्या होगा कि दोनों ही प्लूरल होगा, पीपल ये प्लूरल ऑलरेडी प्लूरल है, वर्ब की वर्ब भी प्लूरल होगी तो आ का प्रयोग करेंगे। अब मैनी बॉयज और मैनी का और मैनी अ इन दोनों कीवर्ड्स का भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। अगर कीवर्ड मैनी दिखता है तो मैनी के बाद आने वाले नाउन प्लूरल व वर्ब भी प्लूरल होगी। क्या होगा इसमें, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा लेकिन मैनी अ हैं, तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। ये ऐसा इरर में दे देगा आपको कि मैनी दे देगा या फिर उसके बाद गर्ल्स दे देगा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि नाउ मैनी अ के बाद सिंगुलर वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होंगे। तो मैनी है मैनी बॉयज़, तो इसमें क्या होगा कि नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगी, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग। मैनी आ है तो दोनों सिंगुलर होगा, नाउन और वर्ब यानि हैज। अब नन ऑफ द स्टूडेंट, अगर कीवर्ड आपको नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन या फिर आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ये वर्ड अगर ये कीवर्ड आपको मिले तो आपको क्या करना है, इनमें नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होगी। इसमें क्या करना कि नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगा। जैसे कि नन ऑफ, ये 24वां, नन ऑफ द स्टूडेंट, तो इसमें क्या हो रहा साथियों कि नाउन प्लूरल होगा, इसमें मैंने इसको टाइप करने में गलत कर दिया, स्टूडेंट्स होगा, ये नाउन है यहाँ पे, तो ये इसके पीछे एस लगेगा, स्टूडेंट्स होगा। और वर्ब क्या होगी, वर्ब सिंगुलर होगी, इज। तो जब भी आपको वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ या आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये कीवर्ड दिखे तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। 25वां, द क्वालिटी ऑफ दिस लेमन्स गुड, ये एक भावनात्मक शब्द है साथियों। क्वालिटी, क्वालिटी है, बिहेवियर है, ऐसे बहुत सारे भावनात्मक वर्ड हैं, उनके पीछे अपन एस ई एस का प्रयोग नहीं कर सकते, उनको प्लूरल नहीं बना सकते, वो ऑलरेडी अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज का। अब 26वें प्रश्न की बात करते हैं। 10 किलोमीटर्स, अगर साथियों आपको ये वर्ड दिखे, 10 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स, 5 horse, 6 horse, तो ये क्या है, एक पेयर है अपने आप में। 10 किलोमीटर्स इसको अनकाउंटेबल माना जाता है क्योंकि 10 किलोमीटर से एक पूरा पेयर हो गया है, तो इसको अनकाउंटेबल माना जाता है, मतलब ये सिंगुलर होगा। जैसे कि अगर पैसों की, हम एक उदाहरण लेके बताता हूँ आपको, जैसे 50 का एक नोट है, क्या मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? पैसे काउंटेबल नहीं है, पैसे अनकाउंटेबल है। कैसे? जैसे कि 50 का नोट है तो उसमें 50 रुपये है, मतलब इतना योग्य है कि वो 50 रुपये तक का कार्य करता है, लेकिन उन 50 को कैसे गिनेंगे आप? उन 50 रुपये को नहीं गिन सकते, लेकिन 50 के मेरे पास 2 नोट हैं, तब वो नोट काउंटेबल होंगे, न कि मनी काउंटेबल होगी। इसी बार 10 किलोमीटर्स ये अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर हुआ। अनकाउंटेबल सभी जो नाउन है वो सिंगुलर ही होते हैं, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग। 27, आई इन गोड, आई क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे बिलीव, बिलीव्स एस या एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर होता है। आप शायद मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको बहुत कुछ अब तक याद भी हो गया होगा। 28, यू गुड पर्सन, यू प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब क्या दिख रही है आपको, आर दिख रही है। 29, आई गोइंग टू वॉक, आई के साथ अम का प्रयोग, आई एम गोइंग टू वॉक, जो आप
पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया होगा कि आई आई के साथ आम का प्रयोग आई एम आई एम। 30 दिस बुक गुड, क्या है साथियों यहाँ पे प्लूरल तो है ही नहीं, सिंगुलर है, इसका प्रयोग करेंगे, नो टेंशन। अब अपन बात करते हैं इरर की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई आती है इरर फाइंड करने में। तो 15 क्वेश्चन अपने पास इरर गए हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इरर का पहला क्वेश्चन है 20 miles यानी 20 miles आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। साथियों अभी अपने चर्चा की है कि ये इस तरह से आए 25 miles या हॉर्स किलोमीटर्स, तो ये सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पे इरर है दूसरे वाले सेंटेंस यानी दूसरी वाली लाइन में, आर की जगह इसका प्रयोग होगा। प्रश्न दूसरे की बात करते हैं, नाइदर माई वाइफ नो माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। नाइदर और आइदर, अगर ये शब्द आते हैं नाइदर और नाइदर नोर, ठीक है ये नोर हैं साथियों जो नो लिखा हुआ है, तो इनमें हम दूसरे वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। पहला नाउन है इसमें वाइफ, दूसरा नाउन है ब्रदर इन ला यानी चचेरा मम्मेरे भाई को ब्रदर इन ला कहते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है तो यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वोस का प्रयोग होगा। हमें केवल एक ही चीज़ को फोकस करना है, ना हिंदी करना है कुछ, हमें केवल वर्ब को देखना है कि वर्ब को पहचानना है कौन सी है वर्ब। अगर हम गड़बड़ हो गए तो फिर इसे सही नहीं कर पाएंगे। यू एंड आई, एंड से दो नाउन जुड़े हैं तो प्लूरल हो गए, इसलिए हैव का प्रयोग होगा, हैज का नहीं। ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ। ही सिंगुलर हैं तो हैज का प्रयोग होगा, हैव का नहीं। शायद आप देखते ही सही कर पा रहे होंगे अगर मेरे अनुसार, अगर आपको याद हो गया हो सब कुछ। द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। आप कुछ समझ पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरीज, यानी ये स्टोरी हैं, ये एक बुक हैं। तो अगर बुक हैं तो ये एक सिंगुलर हुई, अगर इसे हम नहीं समझ पाए ये बुक है या नहीं तो ये हम इसे प्लूरल मान लेंगे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा हैज का। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड यानी इच या एवरी आए तो वह सिंगुलर, पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी हर एक की बात हो रही है, तो आर का नहीं, यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है अगर हम कीवर्ड्स को देख लें, हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, हम एक सेकंड में प्रश्न कर पाएंगे। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रेदर देन स्वीट्स। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन एक प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर नाउन है और चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, तो लाइक्स ये वर्ब है, तो यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा, यहाँ पे लाइक आएगा, क्योंकि वर्ब में जब एस लग जा नाउ इसमें वर्ब में जब एस या ई एस लगता है, जब वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वह प्लूरल होती है, सॉरी वो सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे लाइक का प्रयोग होगा, लाइक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे एरर यहाँ पे है दूसरे वाले लाइन में। अब आठवें प्रश्न की बात करते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, अनलेस अनटिल, इन वर्डों की अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है साथियों, अब अगर नाउन देखेंगे तो यू है यहाँ पे, सब्जेक्ट ये पूरा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्क, ये देख पा रहे हो आप वर्क हार्ड, तो वर्क के साथ एस या एस नहीं लगा हुआ।
अगर वर्ग साथ ए सी आई एस लगा हो तो आपको पता है कि वो सिंगुलर हो जाता, यानी यहाँ पे पूरी तरह से सही है ये सेंटेंस, तो यहाँ पे आएगा नो एरर। नवा, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी, यानी यहाँ का वातावरण मुझे सूट नहीं कर रहा है। तो क्लाइमेट क्या है साथियों, क्लाइमेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, वातावरण क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल तो हो ही नहीं सकता। आप भी ज़रा कॉन्सेप्ट से इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सिंगुलर है तो यहाँ डू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे ई एस लग जाएगा पीछे, डस का प्रयोग होगा। द डायरेक्टर अलोंग विथ, अलोंग विथ बिसाइड्स, अगर ये वर्ड आते हैं टुगेदर विथ एज वेल एज एंड नोट इंक्लूडिंग विथ और लीड बाय कंट्रोलेड बाय, इन वर्ड से अगर दो दो नाउन जुड़े हुए हैं तो हम पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें साथियों थोड़ी मिस्टेक हो रही है, पता नहीं ये बीच में क्यों आ रहा है, हट नहीं पा रहा है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर, तो अपन पहले वाले नाउन को देखेंगे, द डायरेक्टर को देखेंगे, डायरेक्टर इज द सिंगुलर है तो सो यहाँ पे वी कैन यूज़ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे वर्ब की जगह वॉज आएगा। 11, इफ आई वॉज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विथ सेम नो एरर, तो इसमें क्या होगा, इफ क्या है, यहाँ पे आई जो देख पा रहे हो आप ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे वर होना चाहिए, यहाँ के वर्स प्रयोग किया गया तो यहाँ पे एरर है। इज गर्ल, कीवर्ड दिख गया आपको, इच और एवरी हो तो उसे सिंगुलर माना जाएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी किया गया है वॉज का, अगर वर होता तो यहाँ पे एरर होता, तो इसमें एरर नहीं है, यहाँ पे आएगा नो एरर। तेरा, विनय, विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन, आपकी नज़र में कुछ आया यहाँ पे, यहाँ पे मुकेश और सिस्टर, हिज सिस्टर, ये दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पे पूरा एक ये पूरी बात अलग हो गई, विनय वॉज हैप्पी और सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज, वॉज नहीं आएगा वर आएगा क्योंकि वो एंड से जुड़े दो नाउन है, तो ये ऑलरेडी वर यहाँ पर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। माई सिस्टर इन लॉ विथ हर हजबेंड नाउ इन मुंबई वर पेरेंट प्रेजेंट एट द फैशन, यहाँ पे आप विद देख रहे हो कीवर्ड, तो इसमें पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग नहीं होगा, वॉज वर क्या है ये सब पास्ट की बातें साथियों, ये टेंस में अपन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न, आखिरी, अगर कीवर्ड साथियों द नंबर ऑफ दिखता है तो इसमें नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब इसमें सिंगुलर होगी, लेकिन जब अ नंबर ऑफ होगा ना तो उसमें नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, तो इसमें अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नाउन तो प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी, तो वर्ब कहाँ है ये रही वर, तो वर की जगह यहाँ पे वॉज में इसे बदल दिया जाना चाहिए। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आप नए हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें मेरे इस प्रयास को, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगले वीडियो के अपडेट के लिए, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।